बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डिलीवरिंग यू द फोर्थ लेक्चर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन बिजनेस। इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग एंड डिवाइसेस। नाउ वी आर मूविंग अहेड। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट कंप्यूटिंग डिवाइस। Now today's lecture topic is the history of computers, as you know very well about it. The first computing device of today's lecture is the Leibniz calculator, which are you watching on the slide. It is the apparent look of slide. ये हमारे पास Leibniz calculator की ज़ाहरी शक्ल है, my dear students. अब इसके important features हमारे पास क्या? The important features of this slide the important features of the Leibniz calculator are as follows. Number one, the first feature which I have mentioned in the slide is that is one invented in 1964. इसको 1964 के अंदर invent किया गया, my dear student. और ये कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। इसके ज़रिए हम डिफरेंट किस्म के कैलकुलेशन के प्रोसेस को बड़ी इजीली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते थे। इट वाज़ टू बी ऑपरेटेड मैन्युअली, इसको मैन्युअली ऑपरेट किया जाता था। द मेन फीचर ऑफ दिस डिवाइस वाज़ दैट द बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ईजीली एंड वेरी एफिशिएंटली, जस्ट लाइक दैट, एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये सारे ऑपरेशन हम बड़ी आसानी के साथ लेबनीज कैलकुलेटर के ज़रिए कर सकते थे और ये ज़्यादा रिलायबल थी और इसके अंदर जो एक्यूरेसी की डिग्री थी वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डिवाइसेस, जस्ट लाइक दैट पास्कल्स कैलकुलेटर। तो इसके अंदर आप ज़्यादा बड़ी बड़ी रकमों को पे कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकते थे और उनका जो रिज़ल्ट था वो भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता था। इन द आई मैंशनड अबाउट द जैकर्ड्स लूम, तो ये भी हमारे पास एक बहुत ग्रेट इन्वेंशन थी। इट इज़ द मैटर्स ऑफ टाइम, अगर हम आजकल के हवाले से देखें तो ये इतनी बड़ी इन्वेंशन नहीं हैं, लेकिन उस वक्त के हवाले से ये बहुत बड़ी इन्वेंशन थी। तो ये जैकर्ड्स लूम की ज़ाहरी शक्ल हमारे पास मौजूद है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट तो उसके बाद हमारे पास इम्पॉर्टेंट फीचर इसके हैं जैकर्ड्स लूम के, वो हमारे पास क्या हैं? द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ जैकर्ड लूम दैट इट वाज इन्वेंटेड इन 1801। आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट अर्लियर। द लास्ट फीचर इज़ दैट ट्रीमेंडियस डिज़ाइन पॉसिबिलिटीज़, इसके ज़रिए हम बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ तरह की डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते थे जैकर्ड्स लूम के ज़रिए। हमारे पास बाबेज डिफरेंशियल इंजन, इट वाज़ द ग्रेट इन्वेंशन ऑफ द टाइम विच वाज मेड बाय बाबेज। तो ये हमारे पास इसकी ज़ाहरी शक्ल है बाबेज डिफरेंशियल इंजन की। इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा इसका वेट था, ये इजीली पोर्टेबल नहीं था। हाउएवर डिस्पाइट ऑल दिस डिसएडवांटेजेस इट वाज ग्रेट इन्वेंशन ऑफ। तो इसके अंदर हमारे पास जो अहम फीचर्स हैं वो हैं कि ये 1822 के अंदर इसको इन्वेंट किया गया और ये जो मशीन थी ये स्टीम पावर के ज़रिए काम करती थी और ये फुली ऑटोमेटिक थी, यानी कि एक दफ़ा अगर आपने इसको इनपुट दे दी तो दोबारा इंटरप्शन की ज़रूरत नहीं थी। ये दी गई इनपुट के मुताबिक ऑटोमेटिकली अपने काम को कंप्लीट करने की कैपेबिलिटी रखती थी और इसके अंदर द मशीन कुड कैलकुलेट द टेबल ऑफ नंबर, और ये टेबल ऑफ नंबर्स को भी कैलकुलेट करने की सलाहियत रखती थी। और ये एक बहुत बड़ा फीचर था इस मशीन का जिसके ज़रिए हम ये काम कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट अंदर हमारे पास बाबेज एनालिटिकल इंजन आया। पहले बाबेज ने डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशियल इंजन को इन्वेंट किया और फिर उसने उसके अंदर मज़ीद जो कुछ जो डेफिशिएंसीज थी उनको रिमूव करने की कोशिश की। तो उसके बाद उसने बाबेज एनालिटिकल इंजन की फाउंडेशन,
तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं हमारे पास वो ये हैं, द एनालिटिकल इंजन वाज ए प्रपोज्ड मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर इन 1834 डिजाइंड बाय इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड कंप्यूटर पायनियर चार्ल्स बैबेज। तो उसने इसको जो प्रपोज किया था वो 1834 के अंदर किया था। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट द टेक्नोलॉजी वाज नॉट सो मच एडवांस एट दैट टाइम दैट ही कुडंट परफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। तो ये वाली जो टेक्नोलॉजी उसने जो बाबेज एनालिटिकल इंजन के अंदर उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी वीक थी कि इसको फिजिकली इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं था। बाबेज कुडंट कंप्लीट इट एज द टेक्नोलॉजी वॉज नॉट एडवांस्ड। हाउएवर ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। लेकिन सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ये था बाबेज एनालिटिकल इंजन का कि इसने यही मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर की बेस बना, जिसकी वजह से हम फादर ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो चार्ल्स बाबेज को कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो ये हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट हो गया।